ओके साथियों, जय हिंद। जय हिंद। मैं रमेश तिवारी। आज आपको योग और स्ट्रेचिंग, योग करने के पहले क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको बॉडी को स्ट्रेचिंग करना है। बॉडी को जब स्ट्रेचिंग आसन करोगे तब जाकर के योग करने का फायदा है। तो सबसे पहले हम बॉडी को क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करके चलो हमारे साथ, टाइम से हाथों को ऊपर करो और पैरों को अप डाउन करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, अभी आपको राइट साइड में टर्न करना है। 1, लेफ्ट साइड, 2, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। ओके, अभी हाथों को क्या करना है, आपको सीधा करना है और पैरों को खोल लेना है। पैरों खोल लो। ओके, सामने सामने झुको, राइट, लेफ्ट, खूब झुको अच्छे से, राइट, लेफ्ट। ओके, वेरी गुड। हाथों को ऐसे करो, हाथों को पीछे करो, पीछे झुक जाओ। 1, नीचे झुको, नीचे देखो, नीचे अपने टांगों के नीचे से देखो। 1, ओके, वापस। अभी सभी लोग अपने राइट साइड को टर्न होंगे, राइट साइड, राइट साइड टर्न। अब चलो टर्न टाइम करेंगे, जो राइट साइड का पैर है घुटना फोल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, अभी हाथों को यहाँ पे, दहिना जो हाथ वही पैर ऊपर देखो आसमान की ओर, आसमान की ओर सब लोग देखो, आसमान की ओर देखो। ओके, साइड चेंज। ओके, लेफ्ट साइड पर टर्न, लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऊपर आसमान की ओर देखो, स्ट्रेच होने दो। ओके, वापस थोड़ा सा हल्का सा हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे, स्ट्रेंथ पैरों के लिए। ठीक है, ये करना है अपने को, ये 1, 2, 10 टाइम। ओके, लीडर के साथ हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 सेकंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज, लेफ्ट चेंज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 सेकंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, रिलैक्स। अभी ये हो गया वार्म अप एक्सरसाइज। अभी आपको क्या कराएंगे हम, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार समझते हो? यस सर। ओके, तो आगे काउंट के साथ 12 आसन कराएंगे, ठीक है? यस सर। तो 12 बार, 12 बार सूर्य नमस्कार आपको करना है। तो चले स्टार्ट करें। 1, सांसों को लो, 2, पूरा ऊपर उठो, देखो आसमान की ओर। 2, धीरे धीरे पैरों को खोलो, पैर खोलो, पीछे देखो, पीछे 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 देखो। 3, धीरे धीरे सामने आओ। 3, पैरों में ले जाना है पंजे में। 3, आ जाओ पूरा, फिर बायां पैर पीछे। 4, बायां पैर, बायां पैर पीछे। 4, सामने देखो, सामने ऊपर की ओर। 4, दोनों हाथों में बराबर वजन, हथेली लगी होगी जमीन में। 5, दोनों पैर पीछे। 5, पैलर, अमर को पैलर करो। 5, 6, बैंड, 7, ऊपर की ओर देखो, घुटना जमीन से लगा लो। 8, माउंटेन पोस्चर, एड़ी जमीन से लगाओ, नीचे देखो, एड़ी पंजों को देखो। 9, दहिना पैर आगे, सामने देखो। 10,
दोनों पैर आगे, ओके 11, पीछे देखो 12, ओके सांसों को लो, ओके अब इस आसन को हम एक बार फिर स्लो मोशन में करेंगे, 8 बार स्पीड से करेंगे, ठीक है, ओके पीछे लोगो, पीछे लोगो, पीछे लो दौड़ के, ओके 2, 3, 4, बायां पैर पीछे 5, पहला पहला देखो मेरे पोस्टर को देखो 5, 6, 6, नीचे बैंड 7, ऊपर देखो घुटना जमीन पे, ये पंजा पीछे की ओर, नीचे जमीन में लगाओ 8, माउंटेन पोस्चर 9, दाहिना पैर आगे 10, 11, 12, अभी काउंट के साथ स्पीड में होगा, ठीक है, अब जल्दी जल्दी सभी को आ गया ना, सूर्य नमस्कार के फायदे, आपके अंदर जितने भी शरीर के अंदर विकार है, जितनी डिसीज है, जितनी प्रॉब्लम है, सारी डिसीज आपकी दूर हो जाएगी, और शरीर में ओवरहॉल, बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगी, स्ट्रेंथ का मतलब समझते हो, ताकत, किसी काम करने को जब आप नहीं थकते हो, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को ताकत बोलते हैं, ठीक है, ओके चले स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब काउंट के साथ, आवाज के साथ, पूरी पुलिस लाइन जब जानी चाहिए कि योग हो रहा है, ठीक है, ओके रिलैक्स, सांसों को लो, पैरों को खोल लो, सांस लो, ओके आधा बाएं घूम, आधा बाएं बराबर ड्रेसिंग करो, ड्रेसिंग करो, आधा बाएं घूम, अभी आधे बाएं पोस्टर से, ठीक है, अब यहां से लीडर के साथ स्टार्ट, क्या होगा स्टार्ट, साउंड के साथ सूर्य नमस्कार, ठीक है, साउंड के साथ क्या होगा, सूर्य नमस्कार स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 1, 1, ध्यान, 1, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, तो होल्ड रखना पीछे पूरे, तुम्हारी फोटो जाएगी, ये ड्रेसिंग कर लो, ड्रेसिंग सामने वाला बंदा, ये दो आगे हो रहे हो, पीछे जाओ, होल्ड रखो, 2, 2, 2, चलो 3, 4, 4, वो सामने देखो, अब देखना अच्छे से, सामने देखो, तभी चेहरा आएगा, 4, 5, 5, सामने देखो, तभी फोटो आएगी, 6, ना नीचे लेट जाओ, 6, वो कौन उठा रहे माउंटेन पोजीशन, ये कौन है लड़की, 7, ऊपर देखो सर्फ की तरफ, परमार तुम पूरा ही माउंटेन पोजीशन से इधर उधर होती हो, 8, 9, 10, 11, 12, स्पीड में होगा, फोटो होगा सर, चलो अभी स्पीड में होगा, देखते हैं जोश कितना है, ठीक है, यस सर, ओके पूरा वापस हमारी तरफ घूम जाओ, अभी आधा दाहिने घूम, आधा इधर आ जा, आधा दाहिने घूम दौड़ के, आधा है, आधा दाहिने घूम, इधर से खड़ा हो जाओ, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके ले तो ये फेल हो गए ना तो सिर्फ इसके लिए ही ट्वेंटी सिक्स को दोबारा जाना पड़ेगा। ये योग योग तो आपका सब्जेक्ट है और जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर आप योग जान जाओगे, योग क्या है, आत्मा और परमात्मा का मिलने का एक मार्ग है। आपके अगर शरीर से इस आत्मा कितने टाइप की शरीर होती है, अपना अपना शरीर कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का शरीर है। ये जो आपका शरीर है भौतिक शरीर है, ये काम करने के लिए एक स्थूल शरीर होता है और एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर ही आपकी आत्मा है, वही आपको काम कराने की प्रेरणा पैदा करता है। जब तीनों शरीर को आपस में हम जोड़ देते हैं, जो जोड़ने का मार्ग है वही योग है। ब्रह्मांड की जितनी भी चीजों को आपस में जोड़ देना, आपस में उसमें प्रेम उत्पन्न कर देना, वही योग है। ठीक है, योग को महर्षि पतंजलि ने कितने भागों में बांटा है, आठ भागों में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम के अंदर क्या आता है, यम के अंदर आता है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपेक्षा। ठीक है, सत्य का मतलब है कि झूठ नहीं बोलना, अपने स्वार्थ के लिए, निजी काम के लिए किसी से हमें झूठ नहीं बोलना है। और अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या होता है कि जब आप जानबूझ करके किसी को दुख ना पहुंचाना। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है कि ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध होना, निगेटिव थॉट्स को हटा देना। जब आपका सीधे ब्रह्म के साथ, ईश्वर के साथ संबंध हो जाएगा, आपके अंदर गलत प्रकार का कोई विकार ही उत्पन्न नहीं होगा। ये जो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से मिलना नहीं, लड़के लड़कियों के पास न जाए। कितना भी आप पास रहोगे, अगर आपके सूक्ष्म शरीर आत्मा का परमात्मा से डायरेक्ट संबंध हो जाएगा तो आपके अंदर किसी प्रकार की विकार ही उत्पन्न नहीं होगा। वही है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से क्या होता है, आपके शरीर के अंदर की जितनी ऊर्जा है तो अब आपके शरीर में उपयोग होती है, बाहर के एनवायरनमेंट में नहीं होती है। और अपिग्रह, अपिग्रह का मतलब क्या है, चोरी ना करना। जितना भगवान ने दिया है, ठीक है, उसको संतोष करना, अपने आप में ही खुश रहना। जितना भगवान ने दिया है, ज्यादा पाने के चक्कर में जो है आपके पास उसके भी सुख का भोग ना करना, क्या हो जाता है, वो दुख का कारण। इसीलिए अपिग्रह मतलब चोरी ना करना। और नियम के अंदर होता है सोच, संतोष, तप और ईश्वर प्राणोनिधान। सोच का मतलब होता है इंटरनल साफ सफाई, संतोष का जो भगवान ने दिया है उसको संतोष करना। सोच, संतोष और तप का मतलब होता है हार्ड वर्क करना। हार्ड वर्क, जो ड्यूटी मिली है पुलिस की, ट्रेनिंग की ड्यूटी मिली है, जो इंस्ट्रक्टर यहाँ सिखा रहे हैं उसको 100% लगन और शिद्दत के साथ ड्यूटी करना। क्या है, मतलब तप मीन से तपस्या, हार्ड वर्क। और ईश्वर प्राणोनिधान, अपने आप को भगवान का दिया हुआ स्वरूप परमात्मा में आपको क्या है कि भगवान को समर्पित कर देना है अपने काम को। यम नियम का जब आप पालन करते हो तब आपको जाकर के आसन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आसन कितने हैं, 84 लाख आसन है। ठीक है, 84 लाख, ये तो बहुत कम एक्सरसाइज है, यही एक्सरसाइज के आसन है। ठीक है, तो अपने ऋषि मुनियों ने बहुत सारे आसनों को खोज निकाला है। ठीक है, तो 84 लाख आसन में हम ज्यादा से ज्यादा 500-1000 आसन जान लेते हैं तो अपने आप को धन्य मानते हैं। आसन का मतलब होता है सिद्धि। यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम। तो प्राणायाम के लिए अभी हम कराएंगे प्राणायाम आपको। ठीक है, तो प्राणायाम कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का। कपालभाति, अलोम विलोम, शीतली, भ्रामरी, भस्त्रिका, उज्जयिनी और शीतकाली। ठीक है,
ये सारे प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब क्या मतलब है? प्राण और आयाम, अपनी आत्मा को भगवान के साथ जोड़ने का एक जो मार्ग होता है वही है प्राणायाम। ठीक है, आत्मा का मेन भोजन क्या है? आत्मा का भोजन क्या है? अपनी श्वास। श्वास से ही आपको ऊर्जा मिलती है। श्वास जो लेते हो ना, श्वास जितनी गहराई, शुरू शुरू में क्या होता है, सांसों के प्रति जागना, सांसों के प्रति अपने शरीर को, हर सेल को एक्टिव करना। जब आप सांसों के प्रति जग जाओगे तो शुरू शुरू में जब आप दौड़ते हो तो सांस फूलती है, बाद में फूलना बंद हो जाती है ना। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि आप अभ्यास करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपको क्या है कि सांसों के प्रति और सांस शरीर के सभी सेल्स के साथ तालमेल कर लेती है। शरीर की ऊर्जा कहाँ से बनती है? छोटा छोटा जो अपने सेल्स होते हैं, कोशिका, कोशिका से क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? टीशू। टीशू से क्या बनता है? ऑर्गन, अंग। और अंग से क्या बनता है? बॉडी। ऑर्गन सिस्टम इनसे बॉडी। तो बॉडी क्या है हमारी? पूरे ऑर्गन को मिला के क्या बन जाती है? बॉडी बनती है। ओके, इस बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? आपका दिमाग। अभी दिमाग का भोजन क्या है? दिमाग का भोजन क्या है? आपकी सांस, जितने सांस के प्रति जगोगे उतना ही अच्छा आपका क्या है, दिमाग काम करेगा, उतने ही आप डिसीजन और हार्ड वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब पॉजिटिव सोच। सोच को अगर आप पॉजिटिव रखते हो तो आपको क्या है, कोई भी कभी परेशानी नहीं होगी। धारणा, एम, आपका गोल होना चाहिए कि हमें 2023 में दरोगा बनना है, 2023 में PSC क्वालिफाई करना है, हमें 2023 में अपनी पुलिस की ट्रेनिंग कंप्लीट करना है, अच्छे से टॉप करना है ट्रेनिंग में। धारणा, फिर ध्यान होता है। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का ध्यान होता है, सूक्ष्म ध्यान, स्थूल ध्यान और अधिसूक्ष्म ध्यान। जो हम 1 मिनट 2 मिनट के लिए ध्यान लगता है तो क्या होता है? सूक्ष्म, स्थूल कुछ टाइम के लिए, और अति सूक्ष्म ध्यान जो है अनंत काल के लिए, जो ऋषि मुनि करते हैं। फिर समाधि पाठ होता है। समाधि पाठ आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समाधि बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, ओके, अभी क्या करेंगे? अब जोश के साथ फिर से क्या करेंगे? सूर्य नमस्कार, फिर हम योग कराएंगे। ठीक है, चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जैसे कमांड करेंगे वैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, अपने आप को, बॉडी को आपको। ठीक है, चलो, ठीक है, तो इसको ये, चलो, ये 1, 2, 3, अब सांसों को लो, ध्यान करो, सांसों को लो, नाक को टच करो घुटने से,